रहमानिर्रहीम, मेरे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबरान, स्टाफ, मेरे अजीजो कारब और मेरे दोस्त अहबाब, सबको अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक ही मैसेज चल रहा है और एक ही बात डिस्कस हो रही है, कोरोना। कोरोना ने जस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान या हमारे आसपास बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका हमने डटकर मुकाबला करना है। और जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के दिल को डरा देने वाले इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मेरा ख्याल में अवॉइड करें। तो जहाँ तक मैंने ये थोड़ी बहुत सर्च की है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसमें यह है कि आप सुबह उठें, तो वैसे भी मेरा ख्याल इन दिनों तो अल्लाह ताला के करीब हर बंदा ही हुआ पड़ा है, तो इसमें यह है कि आप सुबह उठें, अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला की नमाज फजर अदा करें, उसके बाद गर्म पानी पिए और नेक्स्ट गरारे करें नमक वाले, तो उसके बाद आपने स्टीम लेनी है। स्टीम ये इस तरह 10 से 20 सेकंड तक आपने बॉइल किया हुआ पानी, 10 से 20 सेकंड आपने अंदर ही रखना, यानी कि सांस रोक के रखना है। तो ये डेली की बिना पे आपने करना है। इंशाल्लाह आपके अंदर कोई वायरस हुआ भी तो इंशाल्लाह वो उसकी डेथ हो जाए। और तीसरे नंबर जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें ये है कि आप अपनी डाइट वो अच्छी कर लें, अच्छी बल्कि बहुत ही अच्छी करें। उसमें यह है कि प्रोटीन वाली गजा और विटामिन सी उनकी फ्रूट सब्जियां जिसमें भी आप वो आप लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लापरवाही कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल अवॉइड करें अपने और अपने घर वालों को भी, अपने छोटे बहन भाइयों को और अपने अजीजों का रिश्तेदार सभी को आप तलकीन करें कि घर में ही रहें और यही उन्हें इंस्ट्रक्शन दें। इंशाल्लाह इससे कुछ भी नहीं होगा, जो एहतियाती तदाबीर है उस पर आप खुद भी अमल करें और अपने बाकी जो बहन भाई हैं, जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनको तलकीन करें। इंशाल्लाह आपका और मेरा आमीन असर, अल्लाह इंशाल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। अल्लाह हाफिज़।